सौर मंडल, 8 ग्रह और 300 से ज्यादा चंद्रमा जैसे घड़ी देखकर सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। हमारे सौर मंडल का लंबा इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा है। हम आज जिस सौर मंडल को देख रहे हैं वो शुरू शुरू में हुए हंगामे से बचे पिंडों से बना है। भविष्य में वो हंगामा फिर से हो सकता है। हमारा सौर मंडल भी ताश के किसी घर जैसा है जो एक दिन ढह जाएगा। आइए देखें कि शुरू से अंत तक सौर मंडल काम कैसे करता है। आकाश गंगा तारामंडल में अरबों तारे हैं, उनमें से ही एक है हमारा सूरज। उसी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रहों और चंद्रमाओं का एक व्यवस्थित समूह। हमारा सौर मंडल एक बड़ा ही नायाब ग्रह मंडल है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या और भी ऐसे ग्रह मंडल हैं जो दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे हैं? पता लगाने के लिए मार्सी ने दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली ऑप्टिकल दूरबीन से आसमान में गहरी नजर डाली। ये दूरबीन करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर हवाई द्वीपों के मौना किया पर्वत पर लगी है। ये नए और दूर दराज के सौर मंडलों को ढूंढती है। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि हमारी आकाश गंगा में करीब 200 अरब तारे हैं और उनमें से कई तारों के अपने ग्रह मंडल हैं। 8 प्रमुख ग्रहों वाला हमारा सौर मंडल अकेला नहीं है। अंतरिक्ष में इसके जैसे अरबों ग्रह मंडल और भी हैं। आज खगोल विज्ञानी भी ऐसे सौर मंडल ढूंढ रहे हैं जिनमें पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हो और उनकी शुरुआत अच्छी रही है। अभी तक मार्सी और दूसरे खगोल विज्ञानी 360 ऐसे तारे ढूंढ चुके हैं जिनकी परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं। अपनी इस खोज में हमने एक चौंकाने वाली बात ये देखी कि तारों के चारों ओर सिर्फ एक ग्रह चक्कर नहीं लगाता बल्कि 2, 3 या 4 ग्रह चक्कर लगाते हैं। वो ग्रह भी परिवार में होते हैं और वो परिवार उस परिवार से अलग नहीं है जैसा कि हम अपने सूरज के चारों ओर देखते हैं। पहली बार वैज्ञानिक विस्तार से उनका अध्ययन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब ग्रह अपने सूरज का चक्कर लगाते हैं तो वो कैसे गर्म होते हैं। मसलन हमने देखा कि एक ग्रह अपने तारे का चक्कर लगाते वक्त गर्म और ठंडा हो रहा था। तब हमें लगा कि हम असल में उस ग्रह का रात वाला और दिन वाला हिस्सा देख रहे हैं। हमें तापमान का अंतर दिख रहा था। हम एक दूसरे सौर मंडल में सूर्योदय और सूर्यास्त देख रहे थे। लेकिन वो ग्रह पृथ्वी जैसा नहीं था। जो नए सौर मंडल मिले उनमें से ज्यादातर हमारे सौर मंडल जैसे नहीं थे। उनके ग्रह काफी बड़े थे, बृहस्पति से भी काफी बड़े। कुछ तो विचित्र परिक्रमा पथ पर घूम रहे थे तो कुछ उल्टी दिशा में। उनमें से कुछ पहले तो अंतरिक्ष में कई अरब मील दूर चले जाते और फिर तारे की ओर वापस गोता लगा देते। कुछ अपने तारे के इतने करीब घूम रहे थे कि उनकी सतह भी भाप बनने लगी थी। ये बात भले ही डरावनी ना हो पर अनोखी तो थी ही। ये ऐसे ग्रह मंडल हैं जिनमें अलग अलग किस्म, आकार और भार के ढांचे हैं जिससे हमारे सौर मंडल को हजारों में एक ग्रह मंडल मिल पाया। हो सकता है कि हर सौर मंडल अपने आप में अलग होता हो, लेकिन उन सब में एक बात सामान्य है, हर एक की शुरुआत एक तारे से ही होती है। सबसे पहले तारे का जन्म होता है धूल और गैस के एक बादल में से, जिसे नेबुला कहते हैं। ये है ईगल नेबुला। ये है रचना के आधार स्तंभ। इसका नाम है हॉर्सहेड नेबुला, जो तारों की एक बहुत बड़ी जन्मस्थली है।
वैज्ञानिक अब ये पता लगाना चाहते हैं कि तारों का जन्म किस वजह से होता है। एक वजह तो ये हो सकती है कि पास में ही एक सुपरनोवा विस्फोट हो। और वो पास के ही अणुओं के एक शांत बादल से जा टकराए, वो उसे दबाए, रगड़े और इतना दबा दे कि गुरुत्वाकर्षण को काम करने का मौका मिल जाए। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण कब्जा जमाता है, वो बादल सिकुड़ने लगता है और वो तेजी से गैस पीता हुआ एक विशाल चक्री बन जाता है। उसके केंद्र में मौजूद गुरुत्वाकर्षण उन सब को दबाकर एक बेहद गर्म गोला बना देता है। इसके बाद वो गोला गर्म होता चला जाता है। अचानक ही गैस के परमाणु फ्यूज होने लगते हैं और तारा जल उठता है। जो धूल और मलबा बच जाता है वो एक चक्री बनकर नए तारे के चारों ओर घूमने लगता है। उसमें ग्रहों, चंद्रमाओं, उल्कापिंडों और ग्रहिकाओं के बीज होते हैं। सन 2001 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ओरायन नेबुला की छानबीन कर रहा था, तभी उसे एक नया तारा दिखा जो इनमें से एक चक्री से घिरा था। ये तस्वीर एक सौर मंडल के जन्म की है। जब भी मैं नेबुलाओं की खूबसूरत तस्वीरों को देखती हूँ तो हमेशा मेरे मन में एक ही बात आती है कि ये हमारे सौर मंडल के बचपन की तस्वीर है, वो भी कभी ऐसा ही था। इन धुंधली तस्वीरों से ग्रह मंडल के बनने की जानकारी पाने के दरवाजे खुल गए थे। हमें पहली बार एक ऐसा औजार मिला था जिसकी बदौलत हम रचे जाने के दौर से गुजर रहे ग्रहों की तस्वीरें ले सकते थे। हमारे लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका था और हम दूसरे तारों के आसपास बन रहे ग्रहों को देख सकते थे। इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारे अपने सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ था। वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि तारे कैसे बनते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि गैस और धूल की चक्री से ग्रह कैसे बन जाते हैं। इसका जवाब अचानक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों को मिल गया था। अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटे वहां चीनी और नमक के दानों और अंतरिक्ष की भारहीनता पर प्रयोग कर रहे थे। मिशन कंट्रोल से स्टैनली लव उन्हें देख रहे थे। तभी पेटे को पता लगा कि किस तरह से खगोलीय धूल से ग्रह बने थे। डॉन उस शनिवार को भी अपने साइंस प्रोजेक्ट में उन थैलियों से प्रयोग कर रहे थे जिनमें हम पीने की चीजें रखते थे। उन्होंने उसमें दूसरी चीजें डाली जैसे कि नमक और चीनी, और एक थैली में उन्होंने सिर्फ कॉफी पाउडर डाला और फिर उन थैलियों को फुलाने लगे। थैलियों में वो कण भरे थे। तभी हमने देखा कि वो कण फौरन जगह जगह आपस में चिपक गए, उनसे एक डस्ट बनी बन गया था। कुछ देर तक हम उसे देखते रहे। फिर कहा, डॉन ये तो कमाल हो गया, तुमने तो अंतरिक्ष विज्ञान की 40 साल पुरानी गुत्थी सुलझा दी। एक अंतरिक्ष यात्री ने एक बहुत बड़ी खोज की थी। अंतरिक्ष की भारहीनता में धूल के कण एक दूसरे से दूर नहीं जाते बल्कि एक जगह जमा हो जाते हैं। इसी वजह से खगोलीय धूल से विशाल ग्रह बने थे। धूल के कण आपस में टकराकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे वो और बड़े बनते चले जाते हैं। फिर वो पत्थर बनते हैं और आखिर में विशाल चट्टान बन जाते हैं। चट्टान जितनी बड़ी होगी उसमें गुरुत्वाकर्षण भी उतना ज्यादा होता है। फिर वो अपने आसपास की चीजों को खाकर और बड़ी हो जाती है। वो बड़ी होती है, भारी होती है और फिर ज्यादा बड़ी बड़ी चट्टानों को खाने लगती है। इनमें से ही कुछ चट्टानें ग्रह बन जाती हैं। हमारे सौर मंडल में भी आज से 4.6 अरब साल पहले यही हुआ था। करीब 100 युवा ग्रह
नए सूरज की परिक्रमा कर रहे थे। ऐसे में इनकी टक्कर होना लाजमी था। शुरुआत में सारे सौर मंडल बड़े ही उग्र थे। हमारा सौर मंडल भी वैसा ही था। इसकी शुरुआत करीब 100 छोटे छोटे नए ग्रहों से हुई थी। फिर इसमें 100 ग्रहों से आज के 8 मुख्य ग्रह कैसे बच गए? इसका जवाब हमें मिला दूसरे सौर मंडलों के विकास के अध्ययन से। हमें सौर मंडल में ग्रह बनते नजर आए, लेकिन अचानक ही वहां पर विशाल चक्रियां नजर आने लगी। वो चक्रियां बड़ी ही जबरदस्त टक्कर के बाद बन सकती थी। अगर दूसरे सौर मंडलों में ग्रह एक दूसरे से टकरा रहे थे तो मुमकिन है कि वो हमारे सौर मंडल में भी टकराए हों। हम अब ये तो जानते हैं कि शांत होने से पहले हर सौर मंडल में ऐसा होता है। वो उसी तरह से बने हैं। हम आज जो सुंदर व्यवस्थित और साफ सुथरा सौर मंडल देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू शुरू में ग्रहों के बनने के कुछ करोड़ साल बाद तक दर्जनों या शायद सैकड़ों नए ग्रह थे जो सौर मंडल में इधर से उधर घूम रहे थे। वो एक दूसरे से टकराते भी थे। कई बार वो आपस में मिलकर एक बड़ा ग्रह बना लेते और कई बार एक दूसरे से टकराने के बाद वो चूर चूर हो जाते थे। नए सौर मंडल में काफी भीड़ भाड़ थी और वहां अलग अलग आकार की चीजें थी। उनकी टक्कर होनी ही थी। कुछ ग्रह काफी बड़े हो गए और उनकी टक्कर भी जबरदस्त होती थी। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर हम शुरुआती पृथ्वी पर खड़े होकर आसमान को देखते तो वो कैसा नजर आता। वो बिल्कुल अलग दिखाई देता। ग्रह ग्रह से टकरा रहे थे। जो सबसे बड़े थे वो बच गए, बाकी चूर चूर हो गए। कोई बहुत ही बड़ी चीज युवा बुध ग्रह से टकराई। उस टक्कर से उसकी बाहरी परत उड़ गई और बच गया आयन कोर। युवा पृथ्वी भी उस टक्कर से नहीं बच पाई। एक ग्रह जितनी बड़ी चीज पृथ्वी से टकराई थी और उस टक्कर से पृथ्वी की पपड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। वो मलबा पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और फिर वो इकट्ठा हुआ तो बना हमारा चंद्रमा। तोड़फोड़ का ये खेल 50 करोड़ साल तक चलता रहा। आज हम जिस मंगल, बुध, पृथ्वी और शुक्र ग्रह को देख रहे हैं वो सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से के बचे हुए ग्रह हैं। ये वो ग्रह हैं जो उन जबरदस्त टक्करों में बच गए थे। छोटे ग्रहों की टक्कर से जो मलबा निकला था वो जा पहुंचा ग्रहिका पट्टी में, जो असल में ग्रह के पथरीले बचे खुचे हिस्सों का एक कबाड़खाना है। ज्यादातर बड़ी टक्करें सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में ही हुई थी, लेकिन बाहर के एक ग्रह यूरेनस से भी टक्कर हुई और वो एक और झुक गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सौर मंडल के बाहरी हिस्से में मौजूद ग्रह ज्यादातर गैस से बने थे और वो अंदर के ग्रहों जैसी उथल पुथल से बच गए थे। इनके पथरीले केंद्र बने तो उसके चारों ओर गैस जमा हो गई। ये सब बहुत तेजी से हुआ था
खगोल विज्ञान के लिहाज से कुछ करोड़ साल में ही, और आज हम इन विशाल ग्रहों को देख रहे हैं। गैस के बने विशाल ग्रहों बृहस्पति और शनि के पार है यूरेनस और नेपच्यून। ये दोनों गैस और बर्फ से बने हैं। इनके आगे है काइपर बेल्ट, एक ऐसी पट्टी जहां बर्फीले पत्थर और छोटे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हम अभी तक मानते थे कि काइपर बेल्ट की ही एक चीज प्लूटो भी एक ग्रह है, नौवां ग्रह। इसके बाद तय किया गया कि प्लूटो असल में एक बौना ग्रह है, सूरज के 5 अरब किलोमीटर के दायरे में चक्कर लगाने वाले कई बौने ग्रहों में से एक। वहां इस तरह की करोड़ों चीजें हैं, वो इतनी दूर और इतनी धुंधली हैं कि साफ नजर भी नहीं आती। ये सब सौर मंडल की रचना के वक्त उससे निकला मलबा है। काइपर बेल्ट सूरज के असर के हद की पट्टी है। वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा रोशनी, लेकिन काइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल का अंत नहीं है। उसके आगे है बर्फ से बनी खरबों चीजों का खोल, जिसे कहते हैं ओर्ट क्लाउड। असल में ओर्ट क्लाउड इतना दूर है कि वहां तक सूरज की रोशनी भी एक साल में पहुंच पाती है। ठंडे बाहरी छोर से लेकर केंद्र के बेहद गर्म तारे तक हमारा सौरमंडल बिल्कुल स्थिर लगता है। इसमें हर चीज बिल्कुल सही जगह पर और पूरी तरह व्यवस्थित लगती है, लेकिन यहां भी कुछ गड़बड़ है। यूरेनस और नेपच्यून सही जगह पर नहीं है। ये है वो जिनके हौसले सुधरी से बड़े हैं और मुकाबले में